हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मोहित कुमार। और आज हम ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस सीरीज का आज का जो हमारा टॉपिक है, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स है। यूनिवर्स को लेकर कौन कौन से कॉन्सेप्ट और जो पार्ट्स यूनिवर्स के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि सभी अच्छे होंगे, इसी अवधारणा के साथ हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। हमारा टॉपिक है यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो विभिन्न प्रकार के जो भूगोल बेता रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, दार्शनिकों की भी बहुत सारी राय हमारी रही है, तो उसको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स की। जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये तो सभी जानते हैं कि अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि इसकी वास्तविक जो लंबाई है या चौड़ाई है, जो भी इसकी जो वास्तविक इसका क्षेत्र है यूनिवर्स का, वो अभी तक लोग कोई किसी भी प्रमाणिक या किसी भी वैज्ञानिक शोध के द्वारा तय नहीं किया गया है। लेकिन अलग अलग जो अनुसंधान हुए, अलग अलग जो रिसर्च हुई, उनके आधार पर जितना हमने खोजा है, तो उसको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है, वो हमारा एक सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्मतम। ठीक है, हमारा क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। कैसा कण है, सूक्ष्मतम अणु। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सूक्ष्मतम अणु है। और उस अणुओं से हमारे किस चीज का निर्माण हुआ है, आकाश, गंगाओं का, आकाश गंगाओं का। ठीक है, जो हमारा सूक्ष्मतम अणु है उससे हमारा निर्माण हुआ आकाश गंगाओं का, जिनको हम क्या बोल देते हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं। ठीक है, और इसी इन आकाश गंगाओं से हमारा क्या है, क्या बनता है, यूनिवर्स बनता। ठीक है, आकाश गंगाओं को क्या बोल देते हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सीज यानी कि जो हमारी आकाश गंगाएं हैं। अब देखते हैं, जो सूक्ष्मतम हमारा अणु है उससे हमारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, किस प्रकार से हुआ और किस किस दार्शनिक के क्या क्या कॉन्सेप्ट रहे आकाश गंगाओं को लेकर, और इनके बारे में कितनी रिसर्च हो चुकी है, हम सभी रिसर्च को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में आप किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, तो इससे बाहर प्रश्न जो बनेंगे वो 1-10% ऐसा हो सकता है जो मेरे पास जो अवेलेबल बुकें हैं, इनसे भी अधिक अगर जो होगा तो। लेकिन अब तक जितनी मैंने 4-5 बुकों से कॉन्सेप्ट तैयार किया है, तो उसमें लगभग 90% आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल का, ए लेवल, बी लेवल, किसी भी लेवल का एग्जाम आप देंगे। ठीक है, तो हम आकाश गंगाओं की तरफ चलते हैं, गैलेक्सीज की तरफ, जो हमारा यूनिवर्स है। अब बहुत सारी मान्यताएं इसको लेकर रही हैं, जैसे सूक्ष्मतम अणु है हमारे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा कि आकाश गंगाओं की संख्या 10 लाख है, किसी ने 16 लाख कहा है, किसी ने 10 मिलियन कहा है आकाश गंगाओं की जो संख्याएं हैं। ठीक है, और उन्हीं से हमारा मिलकर बनता है यूनिवर्स। और आकाश गंगाओं में हमारा सौरमंडल पाया जाता है। ठीक है, ग्रह उपग्रह उसमें अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक कण था। ठीक है, जो हमारी थ्योरी है स्टार्स को लेकर, स्टार्स को लेकर, तो स्टार्स को लेकर बताया गया है, जो स्टार्स की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होती है, घन क्यूब होती है, 1000 घन क्यूब होती है। और इसमें हमारा जो स्टार्स का जो औसत, जो उसके अंदर मटेरियल पाया गया, उसकी जब खोज की गई, तो उसमें पाया गया कि जो आपकी हाइड्रोजन थी वो कितने परसेंट थी, 70% थी। ठीक है, और इसमें जो आपकी हीलियम थी, एच ई, ठीक है, ये आपका 28% हीलियम पाई गई, जितने भी हमने स्टार्स का क्या किया अब तक, निष्कर्ष किया। ठीक है, इसमें हमारा लगभग 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन,
और नियोन पाया जाता है 1.5%। ठीक है, जो स्टार्स में जो वास्तविक मेटल पाया जाता है। ठीक है, पाए तो और भी बहुत सारे जाते हैं लेकिन वे अन्य में आ जाते हैं और उनकी संख्या इतनी नहीं है, जो बहुत नगण्य है। ठीक है, जो आयरन आयरन मेटल के जो जो आयरन मेटल पाया जाता है आपका 0.5% पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्स को लेकर क्या है, अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है जो हमारी रिसर्च अभी तक हुई है। अब देखो, जैसे आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक बिंदु था, यानी कि एक पॉइंट है। ठीक है, और माना जाता है कि ये हमारा हाइड्रोजन का था, किसका था, हाइड्रोजन का। ठीक है, और जब आप दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो वो हीलियम का निर्माण करते हैं, लेकिन हीलियम के साथ में ऊर्जा या ऊष्मा भी निकलती है, ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन के अणु बहुत सारे हैं, 71% है। अब जब इन्होंने आपस में क्रिया की, किसी भी वातावरण के कारण जो एटमॉस्फेयर उस समय पे बना था उसके कारण जो क्रिया की आपस में, इन्होंने हीलियम का निर्माण किया प्लस ऊर्जा का निर्माण किया। उसके बाद में इन्होंने हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम और ऊर्जा जब तीनों को एक जगह मिलाया गया तो किसी नए पार्टिकल्स का निर्माण हुआ, किसी नए मेटल्स का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमारे कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन और आर्गन मेटल पाए जाते हैं। और बहुत सारी बुकों में ऐसा लिखा गया है कि जिस समय पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस समय पर ब्रह्मांड में 21 तत्व मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद में और तत्व उनसे मिलके जो नए नए तत्व बनते गए, जैसे केमिस्ट्री का कोडिंग शुरू में हमारे क्या थे, 118 तत्व थे, लेकिन बाद में वे बढ़ते चले गए, उनके समस्थानिक आ गए, उनके संभारिक आए, इस तरह से नए नए मेटल बने, कुछ कंपाउंड, कुछ कॉम्प्लेक्स, नए नए मेटल और नए नए हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनका निर्माण होता चला गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो थी हमारी स्टार्स को लेकर जो रिसर्च अभी तक हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो स्टार्स यानी कि जो सूक्ष्मतम अणु था वो कैसे आकाश गंगाओं में परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। हम चलते हैं गैलेक्सी की तरफ। ठीक है, टाइप ऑफ गैलेक्सीज, टाइप ऑफ गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाओं के प्रकार। ठीक है, आकाश गंगा बेसिकली हमारी तीन प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है, तीन प्रकार की। ठीक है, जो हमारी आकाश गंगा है, क्योंकि यही मेन पार्ट्स तो हमारा वैसे सूक्ष्म अणु है, लेकिन इसके बाद में हम सबसे पहले कहाँ आते हैं, आकाश गंगा में आते हैं। ठीक है, तो जो आकाश गंगा को लेके थ्योरी है उसको हम डिस्कस करते हैं पहले। तो आकाश गंगा को लेकर हमारी जो थ्योरी है वो ये है कि इसमें जो हमारी गैलेक्सीज है, ठीक है, इसमें जो टोटल सौ अरब, यानी कि जो टोटल गैलेक्सीज हमारी ब्रह्मांड में पाई जाती हैं वो आपकी 100 अरब है। ठीक है, और जो हमारा ये जो गैलेक्सीज है इसको हम प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। ठीक है, इन गैलेक्सीज को हम प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं इसके संदर्भ में, जो हमारी गैलेक्सी होती है ये दो प्रकार से या दो टाइप से होती है। एक तो जो संख्याओं के आधार पर जो हमारी अभी तक खोज हो चुकी है, ठीक है, और एक होता है हमारा इनके आकार के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी कौन कौन सी गैलेक्सी की हमारी खोज हो चुकी है। सबसे पहले हमारी खोज हुई निहारिका की, निहारिका आकाश गंगा है हमारी। ठीक है, दूसरी हमारी दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला है, और तीसरी हमारी है देवयानी। ठीक है, जो निहारिका है इसके बारे में हमारा बताया जाता है कि सूर्य की उत्पत्ति इसी से ही 4,600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, निहारिका से हुई है, किसकी उत्पत्ति, सूर्य की, जो सूर्य की उत्पत्ति हुई है वो निहारिका से 4,600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है निहारिका से। अब निहारिका में
हमारे एक तो धूल के कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, धूल के कण, और हमारे धूल के कण के साथ साथ में गैस के बादल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गैस के बादल या गैसीय बादल, ठीक है, या हमारे क्या पाए जाते हैं, गैसीय बादल। आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं साथ साथ, तो उससे क्या होगा आपको पढ़ने में और याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस निहारिका से हमारी किसकी उत्पत्ति हुई है, सूर्य की उत्पत्ति हुई है 4600 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, जो हमारी दूध मेखला है जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, या ठीक है, तो इसमें हमारा क्या पाया जाता है, इसमें हमारी जो पृथ्वी है यानी कि जो हमारा सौरमंडल है, ठीक है, जो हमारी दूध मेखला है उसमें हम पाए जाते हैं, यानी कि हमारा सौरमंडल इसमें पाया जाता है, हमारा सौरमंडल, इसमें हमारा सौरमंडल पाया जाता है, हमारे ग्रह जो पृथ्वी सूर्य ये तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ग्रह हैं, तो हम जो पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, दूध मेखला में पाए जाते हैं। अब आता है देवयानी। देवयानी को आप उत्तरी नक्षत्र पुंज या एंड्रोमिडेन भी बोल देते हैं इसको, एंड्रोमिडेन, ठीक है, देवयानी को उत्तरी नक्षत्र पुंज या एंड्रोमिडेन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तीन अभी तक जो गैलेक्सीज की खोज हुई है वे हमारी तीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो थी जो खोज के आधार पर अभी तक लो हमारी तीन गैलेक्सी की क्या हुई, खोज हुई। अब हम आगे चलते हैं। अब इन गैलेक्सी के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के आधार पर आपके तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होता है आपका अंडाकार, ठीक है, अंडाकार कोई आकार नहीं होता वास्तव में, लेकिन अंडे के जैसा दीर्घ वृत्ताकार होता है तो उसी को हम अंडाकार बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुकों में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में अंडे का आकार कोई आकार नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अंडा तो अभी तुम कई प्रकार के अंडे देखोगे तो अलग अलग आकार के मिलेंगे, तो एक निश्चित आकार न होने की वजह से अंडाकार कोई आकार नहीं होता। ठीक है, एक होती है आपकी सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है, और एक आपकी होती है अनियमित आकार। अनियमित आकार, ठीक है, अंडाकार को हम बोल देते हैं इलिप्टिकल अंडाकार होता है हमारा, एक होता है हमारा, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार को इलिप्टिकल, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब इसमें क्या है, जो हमारी अभी तक जितनी खोज हुई है, जो हमारी गैलेक्सीज की जितनी खोज हुई है अभी तक, तो उसको माना जाता है कि टोटल जो यूनिवर्स है उसका 2/2 टोटल 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 यूनिवर्स का 2/3 भाग, ठीक है, इस प्रकार की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार की जो गैलेक्सीज हैं वो इस प्रकार की पाई जाती है, पूरे ब्रह्मांड की 2/3 भाग। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सर्पिलाकार स्पाइरल, ठीक है, जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल में हमारा आ जाता है मिल्की वे, मिल्की वे, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, दूध मेखला, ठीक है, जो अभी हमने लिखा था दूध मेखला, इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मिल्की वे बोल देते हैं। ठीक है, एक और है हमारी, ठीक है, एंड्रोमेंडा, ठीक है, जो हमारी एंड्रोमेंड्रा है इसको देख लेंगे, ये हमारा ये जो मिल्की वे है और एंड्रोमेंड्रा है ये ब्रह्मांड में सबसे कम दूरी पर पाए जाते हैं, कितने, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये दोनों हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेंडा पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं जो अनियमित आकार है, ठीक है, नहीं अनियमित आकार यानी कि जो हमारी इररेगुलर होती है,
जो इरेगुलर यानी कि जिसमें हमारा क्या नहीं होता, कोई भी आकार नहीं होता। ठीक है, तो जो सभी हमारी क्या है, जितनी भी सभी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, तो उसमें से जो लगभग 10 पार्ट्स है, 10% भाग है किसी भी, अगर जो तुम गैलेक्सी को लेंगे तो उस गैलेक्सी का, पूरी गैलेक्सी का या आकाशगंगा का जो 10वां भाग है, यानी कि 10% जो भाग है किसी चीज को, हम अगर जो 100% में बांट देंगे तो 10वां भाग उसका कैसा है। ठीक है, अनियमित आकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है। अब इसमें एक खास बात है, अनियमित आकार वाली में हमारी क्या होती है, जो इसमें सारे न्यू स्टार्स होते हैं, न्यू स्टार्स, यानी कि अनियमित आकार वाली जो आकाश गंगाएं हैं उसमें सभी नए तारे बनते रहते हैं, नए स्टार्स बनते रहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी दीर्घवृत्ताकार है इसमें हमारे सभी क्या होते हैं, ओल्ड या पुराने स्टार्स, यानी कि इस प्रकार की जो आकाश गंगाएं होंगी उसमें कोई नया तारा, तारे का निर्माण नहीं होता है और ना ही उसमें कोई नया तारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये जो गैलेक्सीज हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार जिसमें हमारी दो हैं मिल्की वे एंड्रोमेंडा, और अनियमित आकार में हमारी जो अनियमित आकार की जो गैलेक्सीज होती हैं उसका लगभग, यानी कि सभी गैलेक्सीज का लगभग 10वां पार्ट क्या होता है, अनियमित आकार होता है। यानी कि हम ये जितनी भी अभी हमने 3 गैलेक्सीज निहारिका, देवयानी और दूध मेखला की खोज हमारी हुई है, तो उनका लगभग 10% भाग कैसा है, अनियमित है, और इसके अकॉर्डिंग उसका 2/3 भाग कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो दूध मेखला है वो लगभग तीनों के अकॉर्डिंग बैठती है, जो हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, दूध मेखला या मिल्की वे वो लगभग तीनों में ही आ जाती है, क्योंकि हमारे उसमें नए तारे भी बनते हैं, पुराने तारे भी स्थित हैं, और उसका लगभग 2/3 भाग कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, सर्पिलाकार भी होती है क्योंकि मिल्की वे है। ठीक है, और सबसे पास भी आती है। ठीक, तो इस आधार पर हमारे ये तो हुआ हमारा ब्रह्मांड की जो गैलेक्सीज हैं उनके जो पार्ट्स हैं। ठीक है, और इन्हीं पार्ट्स से अभी हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारा सौरमंडल है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, और उनसे रिलेटिव जो घटनाएं हैं जैसे ब्लैक होल है, तो उन घटनाओं को हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी ये जो घटनाएं दी गई, मिल्की वे की खोज कैसे हुई, ठीक है, या दीर्घवृत्ताकार कैसे है, अनियमिताकार कैसे है, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में कितने हमारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, साथ में पॉइंटों को लिखकर आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जितना मटेरियल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो किसी भी एक पर्टिकुलर किताब में नहीं होगा। ठीक है, ये कई किताबों का मिश्रण है। ठीक।